दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो लेके आया हूँ जिससे आप घर बैठे बैठे या दुनिया में कहीं पर भी बैठे बैठे मोबाइल फोन यूज करके या अपना लैपटॉप यूज करके एक इंटरनेट कनेक्शन के द्वारा काफी ज्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। 1 लाख, 1 लाख से ज्यादा या उससे भी कई ज्यादा पैसे अर्न कर सकते हैं सिर्फ एक मोबाइल और इंटरनेट कनेक्शन के द्वारा। लेट्स गो। 5 लेजिट वेज टू मेक मनी एंड पैसिव इनकम ऑनलाइन, राइट। तो यहाँ पर मैंने 2 टर्म्स कहे हैं। सबसे पहले 5 लेजिट वेज टू मेक मनी, यस गाइस, वो लेजिट तरीके जिनसे एक्चुअली में लोग पैसा अर्न कर रहे हैं। मैं कोई स्कैमी साइट्स या कुछ और नहीं बताने वाला कि इस साइट में रजिस्टर करो 10 दिन में इतना कमा लोगे। मैं आपको टोटली लेजिट बिजनेस बता रहा हूँ। और दूसरी जो चीज मैंने कही है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम इट्स मीन कि आप एक समय एक्टिव होकर किसी चीज में अपना टाइम पैसा इन्वेस्ट करते हैं एंड देन बाद में आपको वहां से कुछ पैसे आते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। तो आपका ये 2 चीजों के बारे में मैं बताऊंगा, 2 चीजों को कवर करेंगे ये 5 बिजनेसेस जो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला बिजनेस ये है। सो गाइस, जो सबसे पहला बिजनेस है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। आपने बहुत सुना होगा सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में। आज मैं आपको बताता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग में होता क्या है। सोशल मीडिया मार्केटिंग में ऐसा होता है कि आपको कुछ क्लाइंट्स चाहिए होते हैं, आप उन क्लाइंट्स का मार्केटिंग करते हो सोशल मीडिया पे थ्रू फेसबुक एड्स और ऑर्गेनिक ट्रैफिक। डिपेंड्स ऑन यू कि आपका क्लाइंट कैसे चाहता है और आप उसके लिए क्या करना जानते हो। तो डिपेंड करता है आपके क्लाइंट पर और आप पर कि आपका एक्सपर्ट आपके एक्सपर्टीज किस में है और आपका क्लाइंट क्या आपसे चाहता है, राइट। तो इस चीज को बोलते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। अगर मैं एक एग्जाम्पल लू, मैं जानता हूँ कि एड्स फेसबुक पे रन कैसे करते हैं, राइट, एंड मैं अपने लिए कुछ क्लाइंट ढूंढ रहा हूँ और मुझे सडनली एक क्लाइंट मिल जाता है सोशल मीडिया पे जो चाहता है कि मैं उसके कंपनी के लिए एड रन करूँ जो एक रियल एस्टेट की कंपनी है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, मैं उसके लिए एक कैंपेन चलाऊंगा, उसके लिए लीड्स लेके आऊंगा या उसकी ब्रांडिंग करूंगा, जो भी उसका डिमांड रहेगा। दिस इज कॉल्ड सोशल मीडिया मार्केटिंग। आप ऐसे करके काफी अच्छा खासा रेवेन्यू लोगों से डिमांड कर सकते हो। आजकल 30,000, 50,000 एक एक बंदा डिमांड करता है किसी भी कंपनी से, राइट, कि हम आपको लीड्स ला के देंगे, आपको इतना पैसा देना होगा। नेक्स्ट, सो गाइस, जो नेक्स्ट बिजनेस है वो है रीसेलिंग। और रीसेलिंग के काफी ज्यादा वीडियोस मैंने बनाए हैं, लोगों को बताया है कि रीसेलिंग क्या है। इवन इस समय कई ऐसे लोग हैं जिनको मैंने सिखाया रीसेलिंग क्या है, काफी अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं। ये चीज आप जाके देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे। इंस्टाग्राम पे जाओ और हाईलाइट्स को चेक करो जाके, वहां पर मैंने सारे प्रूफ डाल के रखे हैं कि रीसेलिंग बिजनेस में काफी अच्छा खासा मेरे स्टूडेंट्स अर्न कर रहे हैं, वो भी फ्री वीडियोस के द्वारा जो मैंने फ्री वीडियोस इसी चैनल पे अपलोड की थी। तो रीसेलिंग होता क्या एग्जैक्टली, होता ये है कि किसी भी एक प्लेटफॉर्म से आप किसी प्रोडक्ट को उठाते हो और उस प्रोडक्ट पे अपना रेट लगा के सेल करते हो, दैट इज कॉल्ड रीसेलिंग। अब रीसेलिंग कर कैसे कर सकते हो, आप रीसेलिंग कर सकते हो सोशल मीडिया मार्केटिंग के द्वारा। सोशल मीडिया मार्केटिंग ऑर्गेनिक और पेड दोनों होती है। मैं आपको बोलूंगा अगर आप रीसेलिंग करना चाहते हो तो ऑर्गेनिक जाओ, व्हाट्सएप का यूज करो, इंस्टाग्राम का यूज करो और लिंक्डइन का भी यूज करो, और हो सके तो टिकटॉक पे छोटी छोटी 15-15 सेकंड की वीडियो बनाओ और अपने प्रोडक्ट को रीसेल करो। नेक्स्ट, जो गाइस नेक्स्ट है वो ये है कि सर्विस बेस्ड बिजनेस। गाइस, सर्विस बेस्ड बिजनेस व्हाट इज दिस? सो गाइस, जो सर्विस बेस्ड बिजनेस होता है वो होता ये है कि अगर आपकी एक्सपर्टीज किसी एक पर्टिकुलर चीज में है तो आप लोगों से डिमांड कर सकते हो कि भाई मैं आपको ये चीज बना के दूंगा, आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। मतलब कि आप इसको फ्रीलांसिंग भी बोल सकते हो और आप इसको एक सर्विस बेस्ड बिजनेस भी बोल सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप एक फ्रीलांसर हो, मान लो आपको वेबसाइट बनाने आती है, राइट, तो आप क्या कर सकते हो, आप और लोगों को अपने टीम में हायर कर सकते हो या आप उनसे डील कर सकते हो, भाई चलो आप मेरे साथ काम करो, हम लोग प्रोजेक्ट उठाएंगे और मिलकर काम करेंगे एक एजेंसी की तरह, मतलब कि एक एजेंसी का रूप दे सकते हो, राइट। या हो सके तो सिर्फ सर्विस बेस्ड बिजनेस इसका नाम रखो और लोगों से सर्विसेज उठाओ और उनको कंप्लीट करके दो, राइट। मान लो अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल दूं, अगर आप वही जो मैंने पहले कहा कि अगर आप एक वेबसाइट डेवलपर हो तो आप कंटेंट क्रिएटर, वीडियो एडिटर, फोटो और बहुत सारी चीजें हैं, ग्राफिंग जो भी बहुत सारी चीजें हैं, लोगो एडिटर, इन सबको एक साथ लेके आओ और आप प्रोजेक्ट उठाओ, इन लोगों को दो और उसमें आप थोड़ा कमीशन लो, या तो आप खुद की एजेंसी भी खोल सकते हो या तो आप इनको कमीशन बेस पे हायर भी कर सकते हो, मतलब खुद भी कमीशन ले सकते हो और इनको भी कमीशन दे सकते हो। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है गाइस 4th नंबर का, वो है बहुत ज्यादा डिमांडिंग बिजनेस इस समय, उसको बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग।
गाइस ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें आप बहुत पैसे अर्न कर सकते हो, बट बिलीव मी इसमें आपको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है, बिकॉज यहाँ पर आपको एड से लेके शिपमेंट तक और प्लस सपोर्ट मतलब कस्टमर सपोर्ट ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। तो इनके लिए आपको अलग 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 इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, अलग अलग टीम बनानी पड़ती है, इवन आपको एक पूरी कंपनी खड़ी करनी पड़ती है अगर आप एक ड्रॉप शिपर मतलब एक नेक्स्ट लेवल के ड्रॉप शिपर बनना चाहते हो तो। राइट, अब ड्रॉप शिपिंग होता क्या है? ड्रॉप शिपिंग होता ये है कि आप किसी वेंडर से किसी कंपनी से लाइक इंडिया में या पूरे अभी दुनिया में जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं वो ज़्यादातर जो प्रोडक्ट उठाते हैं वो अली बाबा से उठाते हैं, अली एक्सप्रेस से। आपको पता होगा अली एक्सप्रेस एक वेबसाइट है, एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जो चाइना से चलती है, चाइना उसको ओन करता है, राइट, और उसके फाउंडर है जैक मा। तो वो क्या होता है, वहां से लोग कम कीमतों पे प्रोडक्ट उठाते हैं और मार्केट में ज़्यादा कीमत पे सेल करते हैं, इसी को बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग। सो गाइस आप ये बिजनेस भी कर सकते हो और ये बिजनेस भी बहुत अच्छा है, बट यहाँ पर आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा और ज्यादा एक्सपर्टीज लगेगी कि आपको फेसबुक एड चलाना आना चाहिए, मार्केटिंग करना आना चाहिए, सपोर्ट सिस्टम को हैंडल करना आना चाहिए एंड अ लॉट ऑफ थिंग। नेक्स्ट फिफ्थ एंड लास्ट जो मेरा भी फेवरेट है और जो मैं करता हूँ और इसमें भी आप अनलिमिटेड पैसे अर्न कर सकते हो, और बिलीव मी गाइस ये एक ऐसा तरीका है जो आप अभी के अभी शुरू कर सकते हो। यहाँ पर बहुत कम इन्वेस्टमेंट लगता है, 5 से 10 हज़ार के इन्वेस्टमेंट पे आप इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप आज से 3 साल 4 साल पहले मुझसे ये चीज़ पूछते तो मैं बोलता आप इसको जीरो कॉस्ट में स्टार्ट कर सकते हो, बट आज का जो जमाना है वो कॉम्पिटिशन वाला जमाना है, यू नो राइट, तो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको कम से कम यहाँ पर 5 से 10 हज़ार रुपये लेके आना होगा अगर आप इस चीज में पैसे अर्न करना चाहते हो जिसका नाम है एफिलिएट मार्केटिंग। और मैं भी एफिलिएट मार्केटिंग करके बहुत अच्छे खासे पैसे अर्न कर रहा हूँ, बिलीव मी आप इस चीज को कर सकते हो। मैंने आपको 5 चीज बताई है, 5 चीजों में से 2 चीज मैं बहुत अच्छे से करता हूँ, राइट, और तीसरी भी चीज हम लोग कवर कर चुके हैं, बिकॉज तीसरी जो चीज है वो सर्विस बेस्ड बिजनेस जो मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है 2-3 महीने पहले। आपको पता होगा कि मैंने एक सर्विस बेस्ड बिजनेस स्टार्ट किया जिसको मैंने बताया था इंस्टाग्राम पे। अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है। एफिलिएट मार्केटिंग होता ऐसा है कि लाइक मैं एक मार्केटर हूँ, मैं किसी कंपनी से प्रोडक्ट को उठाता हूँ और उसको मार्केट में जाकर प्रमोट करता हूँ, मतलब कि मैं प्रोडक्ट को प्रमोट करके सेल कराता हूँ, और जब वो प्रोडक्ट सेल होता है तो ये जो कंपनी है वो मुझे कुछ पैसे देती है एज अ कमीशन, दैट इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। और अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग बहुत अच्छे से सीखनी है और बहुत अच्छा कुछ करना है एफिलिएट मार्केटिंग में, तो लाखों रुपए कमाने हैं, तो आप क्या कर सकते हो, नीचे एक वीडियो है, डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में, जस्ट क्लिक करो फर्स्ट वीडियो को, डिटेल वीडियो को देखो और मेरे साथ ज्वाइन करो। मेरे पास 7 स्पॉट्स हैं और मैं आपको बता सकता हूँ कि आप कैसे एफिलिएट मार्केटिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हो, आप मुझे कनेक्ट करो एंड आई विल टीच यू हाउ टू मेक मनी ऑन इंटरनेट एंड अ लॉट ऑफ मनी, नॉट। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, जय हिंद।